हाय, मैं हूं अपूर्व सेठ और आज हम बात करेंगे आइडेंटिफाइंग ट्रेंड्स विद डाउ थियरी के बारे में। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि डाउ थियरी एक्चुअली है क्या, ये आपको ट्रेंड्स आइडेंटिफाई करने में कैसे हेल्प कर सकती है, और फाइनली हम एक लाइव एग्जांपल लेके ये भी देखेंगे कि प्रैक्टिकली डाउ थियरी को मार्केट में कैसे अप्लाई करना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। डाउ थियरी बेसिकली आती कहाँ से है? हमने चार्ल्स डाउ के बारे में अपने आगे के वीडियोस में बताया था। चार्ल्स डाउ ने सन 1900 के करीब एक सीरीज ऑफ लेटर पब्लिश किए थे जिसमें इन्होंने मार्केट्स के बारे में अपने विचार रखे थे। विलियम हैमिल्टन ने इन विचारों को कंपाइल करके इसे थियरी का रूप दिया, और इन थियरी या इन विचारों से आज का टेक्निकल एनालिसिस बना है। हमने अपने आगे के वीडियोस में एक हाउस ऑफ टेक्निकल एनालिसिस देखा था जिसमें कि जो फाउंडेशन थी उसमें तीन मेन टेनेट्स रखे थे। तो उन टेनेट्स में से सबसे पहला था हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, दूसरा था प्राइस एक्शन डिस्काउंट्स एवरीथिंग, और तीसरा था प्राइस मूव्स इन ट्रेंड्स। तो आज के इस वीडियो में हम ट्रेंड्स के बारे में बात करेंगे। तो ट्रेंड्स मूव्स इन थ्री डायरेक्शंस, अप डाउन एंड साइडवेज। अब ये ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं? चार्ल्स डाउ ने हमें एक पीक ट्रव एनालिसिस का कंसेप्ट समझाया था उनके लेटर्स के द्वारा। तो पीक ट्रव एनालिसिस ऑफर्स अ ऑब्जेक्टिव अप्रोच टू आइडेंटिफाई ट्रेंड्स। तो अब ये पीक ट्रव एनालिसिस क्या है? तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन के सामने देख सकते हो, मैंने एक इलस्ट्रेशन प्लॉट किया है जहाँ पे एक स्टॉक का प्राइस चार्ट हो सकता है और ये ऊपर और नीचे जैसे स्टॉक नॉर्मली मूव करता है वैसा ही एक ये इलस्ट्रेशन है। तो अब यहाँ पे हमें पीक्स और बॉटम्स आइडेंटिफाई करने हैं। ट्रोव्स का मतलब सिंपल लैंग्वेज में बॉटम्स होता है या लोज होता है। तो वॉट यू हैव टू डू इज आइडेंटिफाई द हाइज एंड द लोज। तो जैसे कि यहाँ पे पीक्स और ट्रोव्स आइडेंटिफाई हुए हैं, तो इससे हमें ये पता चलता है कि स्टॉक की मूवमेंट कैसी है या उसका ट्रेंड कैसा है। तो चलिए आगे जाके देखते हैं कि एक अप ट्रेंड में पीक्स और ट्रोव्स कैसे होते हैं। तो आपके स्क्रीन के सामने ये एक अप ट्रेंड का मैंने इलस्ट्रेशन प्लॉट किया है। इट इज़ एग्जैक्टली द सेम व्हाट वी हैड सीन अर्लियर। तो यहाँ पे स्टॉक में एक हाई बना, फिर लो बना। अब जब स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो प्रीवियस हाई था उसको भी क्रॉस कर देता है, तो ये एक हायर पीक बनती है। फिर स्टॉक फिर से नीचे आ जाता है, लेकिन इस बार क्या होता है कि जो प्रीवियस बॉटम था उस लेवल तक नहीं जाता है, उसके ऊपर से ही स्टॉक रिवर्स कर देता है और ऊपर की तरफ चला जाता है। तो यहाँ पे हायर ट्रो या हायर लो बना है। इसके बाद फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और हायर हाई बनाता है, और फिर फाइनली वापस स्टॉक नीचे आता है और हायर बॉटम बनाता है। तो दिस इज़ अ सीक्वेंस ऑफ हायर टॉप्स एंड हायर बॉटम्स। तो जब हायर टॉप्स और हायर बॉटम्स बनते हैं तब स्टॉक को कहा जाता है कि वो एक अप ट्रेंड में है। इसके एग्जैक्ट अपोजिट जब स्टॉक में लोअर टॉप्स और लोअर बॉटम्स की सीरीज बनती है तब ऐसा कहते हैं कि स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो दिस वॉज एन ऑब्जेक्टिव अप्रोच विच चार्ल्स डाउ पब्लिश्ड और पुट फॉरवर्ड इन हिज लेटर्स। और इसका तीसरा एग्जाम्पल है साइडवेज ट्रेंड का। तो साइडवेज ट्रेंड में क्या होता है कि पीक्स और ट्रोव्स दोनों ही फ्लैट होते हैं। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे फ्लैट पीक्स है और फ्लैट ट्रोव्स है या फ्लैट बॉटम्स है, जिसका मतलब कि स्टॉक साइडवेज एक रेंज में ही है। अब हम देखते हैं कि इस पर्टिकुलर मेथड को हम मार्केट में कैसे अप्लाई करें। तो यहाँ पे हमने आइशर मोटर्स का मैंने चार्ट लिया हुआ है, और ये चार्ट है नवंबर 2019 से सितंबर 2020 के बीच का। तो अब इस चार्ट में हमने पीक्स को रिप्लेस किया है हाई से और ट्रोव्स को रिप्लेस किया है लो से। तो सबसे पहले आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो कि स्टॉक एक अप ट्रेंड में था और वहाँ पे हाई बना, फिर वहाँ से नीचे आया स्टॉक और लो बना। अब फाइनली स्टॉक दिसंबर और जनवरी के महीने के आसपास एक वापस से ऊपर की तरफ मूवमेंट शुरू कर देता है, लेकिन ये प्रीवियस हाई को क्रॉस नहीं कर पाता है। ये एक लोअर हाई बनाता है और उस पर्टिकुलर लोअर हाई बनाने के बाद नीचे की तरफ जाता है और लोअर लो बनाता है। तो ये एक लोअर हाई और लोअर लो की पैटर्न की शुरुआत हो गई है। अब वापस से स्टॉक बॉटम आउट होके ऊपर की तरफ जाता है और एक लोअर हाई बनाता है। सो दिस वॉज एन इंडिकेशन के स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं जा पा रहा है, लोअर हाई दोबारा बना है लोअर हाई।
तो दिस वॉज अ इंडिकेशन फॉर द बेयर्स टू शॉर्ट सेल अ स्टॉक। तो अब अगर मान लीजिए इन इस दिन के आसपास अगर किसी ने शॉर्ट किया है तो उसे अपना स्टॉप लॉस कहाँ रखना चाहिए। तो एज़ पर दिस थियरी द स्टॉप लॉस शुड बी अराउंड द प्रीवियस लोअर हाई। तो जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हो हमने ऑलरेडी लोअर हाई मार्क किया हुआ है। तो अगर किसी ने ये शॉर्ट किया है तो प्रीवियस लोअर हाई को स्टॉप लॉस रख के इसे ट्रेड कर लेना चाहिए या ट्रेंड करना चाहिए। तो अब आप देख सकते हो कि स्टॉक में तेज़ गिरावट आती है और लोअर लो की तरफ मूव करता है, इसके बाद वापस लोअर हाई ही बना पाता है, प्रीवियस हाई तो क्रॉस कर ही नहीं पाता है, वहाँ दूर दूर तक नहीं जा पाता है और इसके बाद लोअर हाई लोअर लो की सीक्वेंस जारी रहती है। तो एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप एक ये सिंपल अप्रोच यूज़ करके आप ये स्टॉक को पूरा डाउन ट्रेंड आप ट्रेड कर पाते हो। अब फाइनली क्या होता है, मार्च अप्रैल के महीने के आसपास स्टॉक ने एक बॉटम बना देता है और फिर एक हाई बनाता है और ये हाई प्रीवियस हाई के करीब ही होती है। तो इसका मतलब ये बनता है कि स्टॉक एक साइडवेज ट्रेंड में आ गया। यहाँ पे लोअर लोज और लोअर हाईज की सीक्वेंस फ़िलहाल के लिए थम सी गई है, फिर इवेंचुअली मई के महीने में एक हायर लो भी बनता है स्टॉक में। तो दिस वॉज एन इंडिकेशन कि यहाँ पे बुल्स थोड़े बहुत हावी हो रहे हैं और इवेंचुअली इस पर्टिकुलर लेवल के बाद स्टॉक में स्ट्रेट अप मूव आनी शुरू हो जाती है और हायर हाईज बनाता है। तो दिस वॉज एन इंडिकेशन के बुल्स आर टेकिंग कंट्रोल एंड नाउ द वेन एवर देर इज़ अ चांस एक स्टॉक में थोड़ा डिप आता है और अगर वो प्रीवियस लोज के ऊपर ही रहती है तो दैट कुड बी अ एंट्री पॉइंट फॉर द बुल्स। तो यहाँ पे एक डिप आती है और जो डिप प्रीवियस हाईज और के ऊपर ही रहती है और यहाँ से फिर से स्टॉक ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो दिस इज़ अ स्टार्ट ऑफ अ हायर हाईज एंड हायर लो सीक्वेंस। तो ये पर्टिकुलर जब सीक्वेंस शुरू हो जाता है तो दिस इज़ अ गुड साइन फॉर द बुल्स टू एंटर इन टू द स्टॉक with the previous low as a stop loss. So this is how you can use the peak trough analysis या higher top higher bottom analysis या ये particular analysis use करके आप market में trading कर सकते हो। तो this was one of the simplest concept put forward by Charles Dow जो कि आज भी market में apply करते हैं लोग और उससे पैसे भी बनाते हैं और आप भी बना सकते हैं। So that's all in today's video. अब आज के इस video में हमने क्या क्या देखा है। सो सबसे पहले हमने देखा कि चार्ल्स डाउ ने जो लेटर्स पब्लिश किए थे उसको विलियम हैमिल्टन ने कंपाइल करके एक डाउ थियरी प्रेजेंट की है और आज हमने इस डाउ थियरी में एक कंसेप्ट लिया है। आगे आने वाले वीडियोस में हम इसमें से और कंसेप्ट लेके मार्केट में कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये देखेंगे। फिर हमने ये देखा कि कैसे डाउ थियरी हमें ट्रेंड आइडेंटिफाई करने का एक ऑब्जेक्टिव तरीका देती है और फिर हमने ये भी देखा कि ट्रेंड तीन डायरेक्शन में हो सकते हैं, अप down and sideways, and finally we also saw how to identify these trends and trade them with an example of Eicher Motors. So that's all in today's video. मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, प्लीज़ ऑल्सो कमेंट इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आप अगर कमेंट करोगे, आप अपने व्यूज़ रखोगे तो मुझे आसानी होगी और आगे वीडियोज़ बनाने में मुझे ये पता चलेगा कि आपको कौन से वीडियोस पसंद आ रहे हैं, कैसे वीडियोस आप फ्यूचर में देखना चाहोगे। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू कमेंट एंड शेयर योर फीडबैक और आप हमारी चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको तुरंत ही हमारे वीडियोस की जानकारी मिल सके। सो दैट्स ऑल इन टुडेज़ वीडियो, थैंक्स अ लॉट एंड हैव अ नाइस डे।